नो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ न्यू डे, न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी। एंड जो सबसे गंदी बात होती है जो अपनी वैकेशन कंप्लीट होना और वैकेशन कंप्लीट होके घर पे जाके सेम रूटीन करना, जो जॉब वगैरह है वही सेम चीज़। घर पे जाने की खुशी है लेकिन जॉब पे जाने की ज़रा भी खुशी नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज़ हमें करना होगा। एंड बट कोई बात नहीं, ये एक एक्साइटमेंट है कि घर पे जाके फटाफट जो भी मैंने फुटेज ली है वो एडिट करूँगा एंड आपको ब्लॉग दे दूँगा। एंड मैं बार बार यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो नज़ारा है ये बहुत खूबसूरत है, तो इसे मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें अगर आप देख रहे हो तो, कि मैं आपको ऐसी जो राइड्स है मैं और ला पाऊँ। एंड आज का जो दिन है वो बहुत टफ होने वाला है, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं, ये प्योर मोटर ब्लॉगिंग करूँगा मैं। 1300 किलोमीटर आज चलना है मुझे, मतलब बाइक राइड करनी है। तो मैंने अपना एम रखा है कि कल 3 बजे तक कैसे भी करके मुंबई पहुंच जाऊं। एंड आज 12 बजे तक मुझे 900 किलोमीटर कवर करने है और कोल्हापुर पहुंचना है। एंड अगर मैं ऐसे ही ब्लॉग करते रहा तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल दिखती नहीं है। तो अब भी मैं जाता हूँ, मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश सा लगता है, एक साइड का जो रास्ता है ये बंद रहा है, तो समझ के चलाना, मतलब समझ के चला, ऐसे खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये पहाड़ों का पानी, आई थिंक ये जो ओस गिरती होगी इतनी ठंडी में, ये वो है सब, इतनी सारी। इट्स वेरी डेंजरस बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोड, इट्स हाईली एक्सीडेंटल रोड। एंड आई थिंक अपुन आ गए रे वही सेम रास्ते पे। इस जगह पे मैं कुछ देर के लिए रुका हूँ, एक ये बहुत हैवी टर्न है और यहाँ से ओह गॉड ये ब्यूटीफुल नज़ारा एंजॉय करने के लिए एक सीनिक व्यू बनाया है। अमेजिंग अमेजिंग मैन अमेजिंग, आपको पूरा एक लैंडस्केप दे देता हूँ आहिस्ता आहिस्ते। देख रहे हो कितना खूबसूरत है, वैसे इस नज़ारे को मैं बैठ के पूरा दिन देख सकता हूँ लेकिन मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है, मैंने इतना भी टाइम निकाला मेरे लिए बहुत है, फिर कभी बहुत ही फुर्सत ना होगा जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। पाइन 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 वुड के जंगल, बहुत ही सीनिक व्यू है, थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ आप चेक कर लीजिए। मज़ेदार मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। बड़े बड़े पाइन के जंगल, क्या खूबसूरत नज़ारा है। जितना टाइम हो रहा है जाने के लिए, जितनी जल्दी है उतनी ये खूबसूरत नज़ारे जो है हमारा रास्ता रोक रहे हैं। देखिए यार कितना लाइक पाइन वुड के जंगल, बहुत ही सही है यहाँ पे, ठीक है। एंड इन केस कभी भी आपको आने का मौका मिले तो आप भी जरूर आइएगा यार। तो इसी के साथ बाद में 8:30 बजे जर्नी स्टार्ट किए थे, अभी 10:30 बज रहे हैं, बांडीपुर अभी पहुँचे, बहुत लेट है हम अपने शेड्यूल से, बट कोशिश करेंगे आके आगे हाईवे पे कनेक्ट कर सके। बांडीपुर बांडीपुर नहीं है, मधुमलाई है, क्या एक टाइगर टाइगर पे अटैक कर सकते हैं। क्या हिरन है यार, कितने खूबसूरत जानवर है ये। So we are leaving Tamil Nadu boundary and entering in Karnataka. This is forest checkpost. So right now we are entering in Karnataka. Yeah, पहले इसको cross कर देते हैं यार, ये रिक्शा वाले ने बहुत परेशान करके रखा है।
1939 में ये ब्रिज बना था, बहुत पुराना है। वेलकम टू कर्नाटका स्टेट। जंगली सुवर। टाइगर अभी भी नहीं दिखा, नहाने के टाइम पे ना जाने के टाइम पे। शेर ई पंजाब, मैसूर के रास्ते में ये ढाबा आता है, प्योर पंजाबी होता है। बहुत भूख लगी थी सुबह में, नाश्ते में सिर्फ एक नारियल पानी ही पिया था हमने, एंड उसके बाद में अभी 1:30 बजे यहाँ पे आके रुके हम। अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लाइक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है। आज तो नहीं होगा डेफिनेटली, ये पक्का है, लेकिन आज देखते हैं कि मिनिमम और 600 किलोमीटर यहाँ से और 600 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करेंगे रात 12 बजे से पहले। तो ये है हमारा खाना, स्पेशल ढाबा चिकन रोटी मसाला पापड़ मैंने ले लिया, उसका लेना। ऑलमोस्ट वो रेस हो गया है, वो अराउंड हो गया है 45 to 50 मिनट्स, एंड अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये शेर पंजाब होटल, ये हमारा हाईवे, एंड अभी देखते हैं मिनिमम 100 किलोमीटर के बाद ही मुझे रुकना है, तो अभी हम डायरेक्टली वापस। बाइक चलाते हुए मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतना थक चुका था मैं सुबह से बाइक चलाते हुए, मैं कि यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है मोर देन 300 किलोमीटर्स, जो कि इतना ख़ास नहीं है, एंड 700 किलोमीटर कुछ अभी भी बाकी है। कितना बाकी है रुपेश? 800 किलोमीटर अभी भी बाकी है, एंड हमने ट्रांजिशन ब्रेक लिया, 6:02 हुई है, थोड़ा सा 5 मिनट का ऐसे ब्रेक लिया है, और नज़ारा बहुत अच्छा था इसकी वजह से हमने ये ब्रेक लिया, एंड बस थोड़ी देर के अंदर अभी 2 मिनट के अंदर चल देंगे। It's 10:36 and it's still 630 किलोमीटर away from Mumbai। अभी हबली में और 30 किलोमीटर बाकी है, बट रुपेश को बहुत थकान हो रही है, बहुत लाइक नींद आ रही है, तो हम ये होटल के अंदर आए अभी। रुपेश अंदर इसका रेट पूछने गए, लेट्स सी कि कितना लेता है, 500-600 तक लेगा तो ठीक है। तो हमने होटल बुक कर लिया है, 1100 रुपीज़ में ये होटल पड़ा है हमें विदाउट ब्रेकफास्ट। ओयो से नहीं, हमने सेपरेट आके बुक किया है, बिकॉज ओयो के अंदर जो प्राइस था वो प्राइस में हमें होटल जो होटल वाला ये दे नहीं रहा था। ये होटल का नाम समथिंग गणेश समथिंग है, एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये मेरा रूम, ये वॉशरूम, रूम, एक रात के लिए 1100 है। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कौन से भी सस्ते सस्ते होटल थे, बट ये हाईवे पे होटल है, एंड कैसा है कि सुबह में फटाफट नाश्ता करके यासी सामने हाईवे, तो सामने हाईवे टच हो जाएगा। एंड आज हमने बहुत ज़्यादा राइड किए, सुबह 8:30 बजे से जो निकले थे, तो अभी जस्ट रात के 12:40 तक हम ये होटल के अंदर आए, एंड बहुत ज़्यादा राइड की है, लाइक इतना 1 किलोमीटर तो कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो थकान हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पे निकाल के रख दिए, अभी जैसे ये टी शर्ट ये जीन्स भी निकाल दूंगा मैं, जस्ट एक ट्रैक पैंट में आराम से सो जाऊँगा, एंड अभी आपसे डायरेक्ट मैं कल ही मिलता हूँ। तो अगर आप ये ट्रैवलिंग व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।